गाइस, मैं आज को आपसे अपनी नई वीडियो से आज वीडियो में बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं चाय लवर, चाय पी लो फ्रेंड्स, कॉफी पी लो फ्रेंड्स, कॉफी लवर, मतलब प्यार करने वाले कॉफी और चाय को। मैं बताने वाला हूँ आपको आपकी कॉफी और चाय कैसे फ्यूचर में जाके बर्बाद कर देगी, खलास कर देगी, खत्म कर देगी। तो चलो वीडियो की तरफ। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपना चाय और कॉफी का एक्सपीरियंस आपके साथ कि कितना बुरा हुआ और चार महीने तक मैंने अपनी लाइफ की बचा दी कैसे। और आज अपन मैन टू मैन टॉक करने वाले, वुमेन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैन टू वुमेन टॉक में कोई दिक्कत नहीं, अपने डेमोक्रेसी सब होता है, ठीक है ना। अब समझ जाओ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने चार महीने तक ढंग से कैसे कॉफी पी पी के अपनी जिंदगी काटी और सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता था और मैं सुपर प्रोडक्टिव फील करता था कि यार मैं कितना कम सो रहा हूं, कितना ज्यादा काम कर रहा हूं, कितना मजा आता था। 4 महीने बाद खेल खत्म। मैं 1 महीने तक पूरा डम माइंडेड रहा, आपके लिए वीडियो के टॉपिक सोचने में भी मेरी हालत खत्म हो जाती थी, खलास हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी। ये क्या करती है, बिल्कुल ड्रग की तरह काम करती है। बाहर से लेके सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द होता है, दिमाग मतलब मुंह में ड्रग डाली, ओ मतलब मुंह में गोली डाली, दिमाग का दर्द सही। आप रोज की आदत डालोगे, आपकी बॉडी को आदत पड़ती जाएगी। और ये क्या करेगी, फर्स्ट मंथ तो है ना, आप बिना एक कप इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड फील करोगे कि मेरे को मजा आ रहा है, बहुत एनर्जी है, जिंदगी में मजा आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, एनर्जी डाउन होती जाएगी और बॉडी को आदत पड़ती जाएगी और सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे इसके बिना। फिर बोलोगे यार एनर्जी नहीं है, और ये कॉफी बोलेगी मेरे को और दो, फिर 2 कप की आदत डालना, फिर 3 कप की आदत डाल, ऐसे करके फिर परेशान होगे। मेरा क्या हुआ, मैं 1 और 2 कप पीता था, उसके बाद मेरा डम माइंडेड होना चालू हो गया, खत्म होना चालू हो गया। तुम लोग जितनी ज्यादा बढ़ाओगे आगे जाके खत्म हो जाओगे। मैं अगर आपको अपनी पर्सनली बात बताऊं तो मैं ब्लैक कॉफी सबसे ज्यादा पीता था, चाय भी उसके साथ कंटिन्यू कर ही रहा था, और मेरी वाट लग गई। एक तरीके से ये प्री वर्कआउट जैसा काम करेगी। आप मान लो थके हुए हो तो आप जिम में प्री वर्कआउट यूज करो, नहीं तो मत करो, सही बता रहा हूं। एक दिन एक स्कूप लोगे, फिर 1 महीने बाद वापस बढ़ाना पड़ेगा, 2 स्कूप लोगे, एक टाइम आएगा कि वो तुम्हारी बॉडी पे काम करना बंद हो जाएगा, तुम्हारी एनर्जी लेवल डाउन जाएंगे और तुम सही बता रहे हो इतना बकवास और डिप्रेस फील करोगे, कुछ करने का मन तक नहीं करेगा। इसलिए बोल रहा हूं ये गलती मत करो, हमारे सारे टीनेजर्स यही कर रहे हैं। एक बार आपको रात को जगना भी है, वैसे तो मैं आपको बोलना नहीं चाहूंगा कि आप रात को जगो, लेकिन किसी किसी की नींद ऐसी होती है कि वो 6 घंटे में भी उतनी नींद ले लेते जितने नॉर्मल लोग 8 घंटे में भी नहीं ले पाते, उनकी नींद इतनी पक्की होती, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन मैं वैसे मना करूंगा कि मत जगो, अगर आपको जागना भी है तो कॉफी के हिसाब से मत जगो, अपने दिमाग में पावर लाओ, दिमाग में पावर लोगी तो कुछ भी कर जाओगे। मैं एक चीज तो बताने भूल ही गया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। उधर मैं अलग अलग ग्रूमिंग हैक्स और सारे फैशन हैक्स और इतनी सारी चीजें एक्सक्लूसिव कंटेंट होता है यार, क्या बेटर जाके फॉलो करो यार। तो बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।